हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बायो प्रो प्लस। आज मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो टॉपिक वो है द गॉल्जी अपरेटस। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द गॉल्जी बॉडी, व्हाट इज़ द गॉल्जी अपरेटस, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा, गॉल्जी अपरेटस पूछा जाए तो भी या गॉल्जी बॉडी पूछी जाए तो भी। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी अपरेटस क्या है? गॉल्जी अपरेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी डिस्कवरी, यानी गॉल्जी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गॉल्जी ने इन 1898, यानी गॉल्जी अपरेटस का डिस्कवर है कैमिलो गॉल्जी इन 1898, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, जो गॉल्जी अपरेटस है, आपको कोई भी सेल ऑर्गेनेल लिखने के पहले आपको पता होना चाहिए वो सिंगल मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेनस है। तो गॉल्जी अपरेटस कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होगा? यूकेरियोट्स में। मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनेल थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस जो कि प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स दोनों में होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस जो कि यूकेरियोट्स में होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस वो भी यूकेरियोट्स में होते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? यूकेरियोट्स में। देन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, और आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को आपको ऐसे ही ड्रा करना है। देन उसके बाद आप देखेंगे इससे ये छोटे छोटे से वेसाइकल्स निकलते रहते हैं, फिर ये जो वेसाइकल होते हैं वो यहाँ पे आपके आपस में फ्यूज होते हैं। तो और इसकी जो ये ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली जो फेस होती है, उसको हम बोलते हैं सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस और प्रॉक्सिमल फेस। इसका गॉल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का है, तो स्टूडेंट्स आप इसको जरूर अच्छे से लर्न करिएगा, सीखिएगा। तो ये ऊपर वाली फेस जो होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस या प्रॉक्सिमल फेस या सिस फेस। इसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है जो अंदर की तरफ झुकी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्केव फेस, ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस या जेस्टल फेस। और इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो सेपरेट चैप्टर दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? कंबाइन रूप से सिस्टर्नी बोलते हैं। सिमिलरली जो गॉल्जी अपरेटस है प्लस वेसाइकल्स है, इस गॉल्जी बॉडी से छोटे छोटे वेसाइकल्स टूट टूट के ब्रेक होके अलग होते रहते हैं, फिर वो आपस में जुड़ते हैं और सिस्टर्नी बना लेते हैं। तो ये जो वेसाइकल्स होते हैं इनको प्लस जो ये अपरेटस है इसको, इन दोनों को कंबाइन रूप से बोलते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बोला ना, क्वेश्चन आता है या तो लिखिए गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस, तो इसीलिए पूरे को कंबाइन रूप से बोलते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। देन अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन की, तो इसका क्या फंक्शन होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉल्जी बॉडी होता है वो क्या करता है? सिक्रीशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? सिक्रीट करता है सिक्रेटरी एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। सेकंड, इसका जो फंक्शन है वो गॉल्जी बॉडी क्या करता है? लाइसोसोम को भी फॉर्मेट करता है, यानी लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? गॉल्जी बॉडी से होता है। और लाइसोसोम क्या होते हैं? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेन है जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पर डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो लाइसोसोम से वो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, क्योंकि डाइजेशन का जो काम होता है वो कहाँ होता है? एनिमल में होता है। यानी कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, जिनको कि हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो जो लाइसोसोम है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं? गॉल्जी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो होता है, जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है वो उसके साथ साथ क्या करता है? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन करता है, यानी सिक्रीशन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी बॉडी में बनाता है और ग्लाइकोलिपिड्स को भी बनाता है। इसके साथ ही साथ गॉल्जी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक अलग टाइप का फंक्शन वो क्या है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि गॉल्जी बॉडी क्या करता है? जिस टाइम सेल डिवीजन होता है, तो पहले क्या होता है? सेल डिवीजन में क्या होता है? अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होती है। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बने, बट जब तक वो सेल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी तब तक दो सेल नहीं बनेंगी। तो उस सेल को डिवाइड करने के लिए प्लांट में सेल प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो उस सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है? गॉल्जी बॉडी करता है। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये थे गॉल्जी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सेल हो, या उसके बाद मैंने आपको जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया,
क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, प्लास्टिड क्या होते पढ़ाया, मैंने कई सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आपको वो सारे टॉपिक कैसे लग रहे हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल हैं या नहीं, या आपको उनमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर करिए। मैं आपका जो भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही मुझे, ज़रूर सॉल्व करूँगी। और इसके साथ ही साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोगों का प्यार देख के मुझे नए नए वीडियो बनाने का भी मन करता है, मोटिवेशन भी मिलता है, आपकी कमेंट्स आते हैं पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक मेरा फिनिश हुआ है, मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी, अगर मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाती हूँ आप इस टाइम उसे नोट नहीं कर सकते, तो अगर आपको इसका पिक्चर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके ले सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।